चीन और पाकिस्तान में आपने ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बयान तो सुना ही होगा, लेकिन अब कुछ ऐसा ही बयान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दे डाला। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी महिलाओं से कम 8 बच्चे पैदा करने की अपील कर डाली। पुतिन ने ये तक कह दिया कि रूसी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए और बड़े परिवार को आदर्श बनाना चाहिए। पुतिन ने यह बात वर्ल्ड रशियन पीपल्स काउंसिलिंग को संबोधित करते हुए कही। चलिए अब पूरा बयान जानते हैं क्या कुछ कहा पुतिन ने। दरअसल पुतिन ने कहा, हमें आने वाले कुछ दशकों तक रूस की आबादी बढ़ाने का लक्ष्य रखना होगा। हमारे यहाँ अब भी कई समुदाय हैं जो आज भी बड़े परिवारों में यकीन रखते हैं। उनके 4-5 या उससे भी ज्यादा बच्चे हैं। हमारी दादी, परदादी और परनानी के 7-8 या उससे भी ज्यादा बच्चे होते थे। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस को बड़े परिवारों को जीवन जीने का तरीका अपनाकर ऐसी परंपराओं को जिंदा रखना होगा। परिवार सिर्फ राज्य या समाज का ही आधार नहीं है, बल्कि धार्मिक लिहाज से भी सही है। सभी रूसी सार्वजनिक संगठनों और पारंपरिक धर्मों को परिवारों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यही सालों साल पुराने रूस का भविष्य होना चाहिए। अब पुतिन का यह बयान ऐसे समय आया जब यूक्रेन के साथ जंग को 20 महीने से ज्यादा हो चुके और इस जंग में रूस के लाखों सैनिक मारे जा चुके। नवंबर में यूके के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि यूक्रेन के साथ जंग में रूस के 3 लाख से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। अब आपने इस बयान को तो सुन ही लिया, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या सच में घट रही है रूस की जनसंख्या? तो इसके लिए चलिए जानते हैं इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की माने तो 1 जनवरी 2023 को रूस की आबादी 14.64 करोड़ थी, जो 1999 के उस आंकड़े से भी कम है। बता दें, रूस की आबादी लगातार कम हो रही, इससे काम करने वाले भी घटे हैं, जिससे उसके सामने आर्थिक संकट खड़े हो गए। यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भी रूस वर्क फोर्स की कमी और बढ़ती आर्थिक मंदी का सामना कर रहा। पुतिन ने उन लोगों के लिए सरकारी प्रोत्साहनों की योजना भी शुरू की। इनमें 1 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले परिवार के लिए भुगतान भी शामिल है। हालांकि इसका खास असर नहीं हुआ। वैसे इतने बड़ी बात सोशल मीडिया पर ना छाए ये हो ही नहीं सकता। सबने अपने अपने अनुसार पुतिन के बयान का मतलब निकाला, लेकिन सच्चाई तो यह है कि यूक्रेन में युद्ध के चलते 90 लाख लोगों को देश छोड़ देने का अनुमान बताया जा रहा। यूक्रेन में 9 लाख लोगों को देश छोड़ देने का अनुमान बताया जा रहा। यूक्रेन में लड़ने के लिए भी अतिरिक्त 3 लाख लोगों को भर्ती किया गया, जिसे रूस में वर्क फोर्स पर संकट गहरा गया है। खैर, अब आपका क्या कुछ कहना है पुतिन के इस बयान को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।